जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा रुलाती है वो तुम्हारा खुद का मोह होता है। सबसे ज्यादा दर्द हमें तब होता है जब हम अपना दर्द किसी को बता नहीं पाते। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। कोई भी रिश्ता बनता तो विश्वास से है, लेकिन चलता बर्दाश्त से है। खुशी थोड़े समय के लिए सब्र देती है, लेकिन सब्र हमेशा के लिए खुशी देता है। फूल और दिल दोनों एक से हैं, तकलीफ दो तो मुरझा जाते हैं। शब्दों की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। एक छोटा सा हाँ और एक छोटी सी ना पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है। कुछ ऐसे भी लोग मेरे आसपास हैं जिनके दिलों में जहर और जुबान में मिठास है। लोगों ने सिखा दिया अपनों पर शक करना, वरना हम तो गैरों पर भी भरोसा करते थे। आजाद कर देना चाहिए उस इंसान को, उस रिश्ते को जो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके साथ जुड़ा है। ये कलयुग है साहब, यहाँ एक घर की लड़ाई चार घरों का मजा होता है। जिंदगी जीने का असली मजा तो तब है जब सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, लेकिन फिर भी आपको खुद पर विश्वास हो। जरूरी नहीं कि आप सबकी नजरों में अच्छे ही बनो। कुछ लोगों की नजरों में खटकने का मजा ही कुछ और होता है। दूसरों को बदलने के लिए पहले खुद को बदलना पड़ता है। स्वयं परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। सच बोलने की आदत हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साहस देती है। कोई तो हमदर्द ऐसा हो जिसका दर्द मेरे जैसा हो। झूठ इसीलिए जीत जाता है क्योंकि सच का साथ देने की औकात सबकी नहीं होती। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाने ढूंढता है। महत्व इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है और कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। दूसरे की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती को कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। ना झुकने का शौक है, ना झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। जिसने कतरे भर भी किया है एहसान हम पर, वक्त ने मौका दिया तो दरिया लौटाएंगे हम उनको। छोटी सी जिंदगी के अरमान बहुत थे, कोई हमदर्द न था मगर इंसान बहुत थे। जिंदगी में अगर तजुर्बा न हो तो इतना जान लेना कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। बदलते लोग और बदलते रिश्ते चाहे दिखाई ना दें, लेकिन महसूस जरूर होते हैं। जिंदगी में कभी भी किसी बात पर भी तनाव लेने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर तनाव लेने से इंसान सफल होता तो सबसे ज्यादा सफल दुखी लोग ही होते। कौन अच्छा है और कौन बुरा है, उसकी पहचान सिर्फ आपके बुरे वक्त में ही होती है। तारीफ वो धोखा है जिसे हम बहुत ध्यान से सुनते हैं और खुद ही उसमें फंस जाते हैं। एक बात याद रखना, कर्म का थप्पड़ जब पड़ता है तो वो राजा को भी भीख मांगने पे मजबूर कर देता है। दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना करो। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना करो। कुछ पाना कुछ खोना दस्तूर है जिंदगी का, यही एक किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीते हुए पल और गए हुए लोग कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। अंदर से टूटा हुआ इंसान चाहे कितना भी मुस्कुरा ले, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द हमेशा दिख जाता है। दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और एक माफ करना। क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं है। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन चार लोगों के साथ बैठकर कभी किसी की बेइज्जती मत कीजिए। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा और कोई अपना नहीं है। दूसरों की गलतियां तो बड़ी आसानी से दिख जाती हैं, बात जब खुद की होती है तो लोग अंधे हो जाते हैं। मनुष्य को हमेशा परछाई और आईने की तरह दोस्त बनाने चाहिए, क्योंकि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती
और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से ही नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। नींद भी क्या गजब चीज है, अगर आ जाए तो सब कुछ भुला देती है और अगर ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। बुरे वक्त में भी किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि समझौते शेर को भी कुत्ता बना देते हैं। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी फीलिंग से ज्यादा स्ट्रांग बना के रखो। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। कोई भी आपसे उतना प्यार नहीं करता जितना आप अपनी सोच में सोच लेते हैं। आप कितने भी अच्छे हो, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो, पर एक बात हमेशा याद रखना, आपको जो गलत समझता है वो मरते दम तक आपको गलत ही समझेगा। क्योंकि किसी की नजर का इलाज किया जा सकता है, लेकिन नजरिए का नहीं। लाजमी है तुम्हारा खुद पर गुरूर करना, क्योंकि हम जिसे चाहें वो मामूली हो भी नहीं सकता। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। अगर एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलत फहमी पाल लेते हैं कि अब ये हर बार झुकेगा। जब कोई दूसरों से धोखा खाता है तो वो उनसे लड़ पड़ता है, लेकिन जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो इंसान चुप हो जाता है। ये सोच कर कि रिश्तों में दरार न पड़ जाए, हमने तेरी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं माना। सामने मीठी मीठी बातें करे और पीठ पीछे काम बिगाड़े, ऐसे मित्र से दूर रहना चाहिए। वो उसी तरह है जैसे अंदर जहर भरा हुआ हो और ऊपर से अमृत भरा हुआ हो। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। ऊंचाई पर वो ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। ये कलयुग है, यहाँ लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। जब किसी व्यक्ति को किसी अपने से धोखा मिलता है तो वो फिर किसी भी इंसान पर भरोसा करने से पहले हजार बार सोचता है। एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से ज्यादा प्रभावी होता है। याद रखिए, जिंदगी खुशहाल होती नहीं है, उसे खुशहाल बनाना पड़ता है। अगर ईश्वर ने आपसे वो ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में भी होकर बेहोश ही रहता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। झूठ भी कितना अजीब है ना, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। इतनी अजीब है यह दुनिया, यहां झूठ नहीं सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। पहली बार में हम हमेशा गलत इंसान को पसंद कर लेते हैं, और जब अच्छे लोग मिलते हैं तो हम एतबार करना ही छोड़ देते हैं। कोई आपके साथ जैसा व्यवहार करे, उसके साथ वैसा ही व्यवहार न करके आप जैसे हैं वैसा ही व्यवहार करें, क्योंकि आपकी पहचान आपका व्यवहार ही है। नहीं रही शिकायत अब मुझे तेरी नजरअंदाजी से, तू बाकियों को खुश रख, हम तन्हा ही अच्छे हैं। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में ना दिखाई देते हों, पर मुश्किल हालातों में हमेशा साथ देते हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज
सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। खामोश रहकर खरीद ली दूरियां हमने, लफ्ज खर्च करना हमने जरूरी नहीं समझा। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर से बहुत उलझना पड़ता है। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो ये पता चला कि जिस्म में जमीर होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि जेब में पैसा होना जरूरी है। वो इंसान जो तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा साथ निभाएगा? दर्द सहते सहते इंसान उस मोड़ पर आ जाता है कि उसे हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। वक्त जब करवट लेता है तो बाजियां नहीं जिंदगी बदल देता है। तमाशा सच का ही होता है, झूठ की तो हमेशा तारीफ होती है। अगर कोई चुप रहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं आता। मैंने अक्सर बुद्धिमान लोगों को कम बोलते और मूर्ख को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। सच्चे लोगों को शायद झूठ का पता न हो, लेकिन झूठे लोगों को सच का पता हमेशा होता है। खुश नसीब हो तुम कि तुम्हें कोई मानता है, कोई तुम्हारी फिक्र करता है, तुम्हारे हर मूड को संभालता है। कभी तुम भी उसके जरूरत के वक्त पर साथ दो, हमेशा तुम ही नहीं बल्कि वह भी तुम्हारे प्यार को डिजर्व करता है। मोहब्बत तो अधूरी रही हमारी, मगर बर्बाद हम पूरे हुए हैं। अब इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि ना तो किसी के साथ बहस करने को मन करता है और ना ही किसी को समझाने का मन करता है। बस कसूर इतना था, जीना चाहा तो जिंदगी से दूर थे हम, मरना चाहा तो जीने को मजबूर थे हम। सर झुकाकर कबूल कर ली हर सजा, बस कसूर इतना था कि बेकसूर थे हम। इश्क को कभी भी हैसियत के तराजू में मत तोलना, क्योंकि इश्क दिल देखकर होता है, हैसियत देखकर नहीं।